वहीं निर्दलीय भी किसी से कम नहीं। आज हम वार्ड 21 अस्पताल में हम आए हैं और हम यहां से दावेदारी निर्दलीय प्रत्याशी श्री राजन भाई दोबारा क्षेत्र में सारे में घूमे हैं। मेरी तो सड़क नहीं दिखाई दे गाड़ियाँ भीड़ की पड़ी हैं, चारों तरफ को बुरा हाल है, आदमी सुरक्षित चल नहीं पा रहा है। काम करने के लिए इनको बजट मिलता है हर साल, लेकिन बजट कहीं लगा हुआ नहीं दिखाई देता। तो मैं पूरे क्षेत्र में काम करूँगा, बजट ईमानदारी से लगाऊंगा। खुदारा जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के साथ आपका संपर्क हो रहा है, आपको किन तरीके की समस्याओं के विषय में जनता बता रही है, जरा उन समस्याओं के बारे में आप बताएं। सड़कों का ही है, गलियों का है, जल भराव का है, सफाई की व्यवस्था, लाइट गर्मी का माहौल है कि सफाई वाले सफाई करने आते ही हैं। गुजारा जी, 20 साल से ये कांग्रेस का गढ़ रहा, आम आदमी पार्टी ने इसको ध्वस्त करा, अभी आम आदमी पार्टी पूरे स्टार प्रचारकों के साथ अरविंद केजरीवाल भी सड़कों पर घूम रहे हैं, ऐसे में आप इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार करेंगे? आम आदमी पार्टी मेरे यहाँ पर तीसरे नंबर पर, यहाँ पर ही नहीं, आज रजौरी गार्डन के चुनाव का जो धरंजन आ रहा है उसमें भी वो तीसरे नंबर पर चल रही है और पूरी दिल्ली में तीसरे नंबर पर रहेगी। यहाँ भी जब मैं जाता हूँ तो लोग ढूंढ रहे हैं कि आदर्श शास्त्री जी कहाँ, जीतने के बाद वो दिखाई नहीं दिए गए, तो लोगों में बड़ा गुस्सा हो रहा है। गोदारा जी, जैसा कि दिख रहा है कि आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। 26 तारीख को जब चुनाव परिणाम आए तो आप एक कमल खिलाकर दिल्ली नगर निगम में पहुंचे, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। नव समाचार में बस इतना ही, कैमरामैन मनीष के साथ राजेश तिवारी।